जीवन में बढ़ गया है तनाव तो अपनाएं ये ज्योतिषीय उपाय। अक्सर चंद्रमा या बुधवार के कमजोर होने पर व्यक्ति को तनाव घेरने लगता है। वहीं कर्क, वृश्चिक, मीन और कुंभ राशि के जातकों को तनाव की वजह से सेहत से जुड़ी चिंता सताने लगती है। अगर आपकी लाइफ में भी तनाव जरूरत से ज्यादा बढ़ गया है तो ये ज्योतिषीय उपाय आपकी मदद कर सकते हैं। अगर तनाव वैवाहिक जीवन को लेकर हो तो दशाम और शुक्रवार के कमजोर होने पर वैवाहिक जीवन को लेकर तनाव ज्यादा होता है। दश वृषभ, कन्या, मकर और कर्क राशि वालों को वैवाहिक जीवन की चिंता ज्यादा होती है। उपाय दश काले रंग का प्रयोग कम से कम करें। दश शिवलिंग पर नित्य प्रातः जल अर्पित करें। दश बहुत ज्यादा तीखा खाना न खाएं। अगर तनाव संतान या उसके जीवन को लेकर हो तो दश बृहस्पति और राहु का संबंध होने से या बृहस्पति के कमजोर होने पर तनाव होता है। दश मेष, सिंह, धनु और मकर राशि वालों को संतान को लेकर चिंता ज्यादा होती है। उपाय दश चीजों को लेकर क्रोध न करें, घर में शांति बनाए रखें। दश हनुमान जी की उपासना करें। दश पीले रंग का खूब प्रयोग करें। अगर तनाव संपत्ति को लेकर हो तो दश मंगलवार कमजोर हो या मंगलवार प्रदान राशि हो तो संपत्ति को लेकर तनाव होता है। दश ऐसा मेष, वृषभ, सिंह, वृश्चिक और मीन राशि वालों को ज्यादा होता है। उपाय दश धैर्य रखें, जल्दबाजी में काफी नुकसान हो सकता है। दश मंगलवार को नमक का सेवन बंद कर दें। दश रोज शाम को संकट मोचन हनुमानाशक का पाठ करें। अगर तनाव विवाह होने को लेकर हो तो दश शुक्रवार और बृहस्पति की कमजोर स्थिति के कारण विवाह होने को लेकर तनाव होता है। दश मेष, मिथुन, कन्या, तुला और धनु राशि वालों को ऐसा तनाव ज्यादा होता है। उपाय दश भगवान सूर्य को हल्दी मिलाकर जल अर्पित करें। दश देवी के कात्यायनी स्वरूप की उपासना करें। दश खट्टी और तीखी चीजें न खाएं। अगर तनाव प्रेम को लेकर हो तो दश चंद्रमा और शुक्रवार कमजोर हो या जल तत्व की मात्रा संतुलित ना हो तो ये तनाव होता है। दश मिथुन, तुला, कुंभ, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों को प्रेम को लेकर चिंताएं ज्यादा होती हैं। उपाय दश प्रेम को लेकर उतावलापन मत दिखाएं, क्रोध न करें। दश राधा कृष्ण की संयुक्त उपासना करें। दश मधुराशक का पाठ जरूर करें।